अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलें जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन मलाई कोफ्ता, जो कि बहुत ही यमीएस्ट रेसिपी है। तो चलें जी, मैं शुरू करती हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 किलो लिया था बकरे का कीमा, और उसमें शामिल किया था मैंने नमक, और फिर मैंने शामिल किया इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च के पाउडर के बाद मैंने डाला इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर का, और उसके बाद मैंने शामिल किया इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, और उसके बाद शामिल किया है इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर का। फिर इसमें जाएगा 1/2 कप बेसन, इससे जो है वो कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं और टूटते भी नहीं हैं। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 अंडा। अंडा शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो बेसन है उसके बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, जो गुठलियाँ होती हैं इसकी, उसको आप मेक श्योर कर लें कि वो बिल्कुल भी ना रहें। अब ये देखें, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी, ताकि जो जितने भी स्पाइसेस हैं या जो भी थोड़ा बहुत मोटा कीमा है वो अच्छे से इसमें से पिस जाए। अब ये रेडी हो चुका है कीमा, तो अब मैं इसके बॉल्स बनाऊँगी। अब मैंने इसमें हाथों को अपने ग्रीस कर लिया था, उससे होता है कि कीमा जो है वो बिल्कुल हाथों पे चिपकता नहीं है, और जो कोफ्ते हैं वो काफ़ी स्मूथ बनते हैं। अब ये देखें जी, कोफ्ता जो है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं सारे कोफ्ते रेडी कर लूँगी। अब ये कोफ्ते मेरे सारे रेडी हो चुके हैं। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी ग्रेवी, जिसके लिए मैंने 3 प्याज़ें ली थी, उसको मैंने मोटा मोटा काट लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए हैं 5 टमाटर, उनको भी मैंने मोटा मोटा काट लिए हैं। अब बस इसको इतना बॉईल करना है कि प्याज और टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। बस जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इनको ड्रेन कर लूँगी, और इनको जो है वो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। बस अब ब्लेंड करने के बाद मैं इसको तेल में डालूँगी। अब ये तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने पहले 1 चम्मच साबुत गर्म मसाला डाला है। साबुत गरम मसाला थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो फिर इसमें मैं जो प्याज और टमाटर का बैटर बनाया था उसको मैं इसमें ऐड कर लूँगी, और इसको इतना पकाना है कि जो इसका थोड़ा पानी था वो अच्छे से खुश्क हो जाए, उसके बाद मैं मसाले ऐड करूँगी। अच्छा, इसमें पहले मैंने डाला है 1 कप का दही, और दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जब ये मिक्स हो जाए तो फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके बाद मैंने शामिल किया है नमक, और नमक के बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच हल्दी पाउडर का छोटा चम्मच, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और उसके बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच धनिया पाउडर का, और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, और उसके बाद मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं ये अच्छे से पक जाएं। और जब ये अच्छे से पक जाएं और इनका पानी, जो दही भी अभी पानी बहुत छोड़ेगा तो वो पानी भी खुश्क हो जाए, उसके बाद मैं इसमें जो सालन बनाना है उसके लिए पानी ऐड करूँगी। अभी देखें, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और थोड़ा जो तेल है वो भी ऊपर आ चुका है। अब इस टाइम मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच सूखी हुई मेथी का। सूखी हुई मेथी से यह है कि सालन में खुशबू बहुत अच्छी आती है और जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा सा इन्हेंस हो जाता है। अब ये देखिए, मसाले का कितना अच्छा कलर आया है। अब इस टाइम मैं इसमें वो पानी ऐड करी हूँ जो मैंने प्याज और टमाटर उबाले थे, उसका पानी मैंने स्टोर कर लिया था। इसी पानी को मैंने इस सालन में ऐड कर दिया है, इससे ये है कि जो सालन का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। बस अब ये जब थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग पे आ जाएगा, उसके बाद मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। अब देखें, ये जो है पकना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पे मैं इसमें ये कोफ्ते ऐड करूँगी, और कोफ्ते ऐड करने के बाद बस इसको मैंने थोड़ा सा हिलाना है, और उसके बाद मैं इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। अब ये तकरीबन रेडी हो चुका है। इस टाइम पे मैंने इसमें डाली है हरी मिर्चें, और उसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ा है, और इसके बाद अब ये तकरीबन रेडी है। तो इस टाइम मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप क्रीम, उससे ही असल टेस्ट बनता है इन कोफ्तों का। और इस क्रीम को जो था वो मैंने अच्छे से फेंट लिया था, और अब ये बस क्रीम डालने के बाद मैं इस क्रीम को जो है वो कोफ्तों में बिल्कुल इस तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि बिल्कुल भी जो क्रीम है उसके लम्स ना आए। अब इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, और ज़ीरा पाउडर के बाद इसमें डालूँगी मैं गरम मसाला पाउडर। अब इन मसालों को डालने के बाद बस सालन में इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जब ये मिक्स हो जाएं तो फिर इसमें सबसे आखिर में जाएगा मक्खन। ये मैंने 200 ग्राम लिया है, इससे तो कोफ्तों का टेस्ट डबल हो जाता है। बस अभी हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, और आप इसको लंच में, डिनर में, जब चाहें आप इसको बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको ऑन टाइम मिलती रहें।